हुआ क्या? हमारे तीन लोग हर साल ऐसे बनना चाहिए और बड़ा ये। यार मंसूर भैया चलता तो बोलते मंसूर ही चल रहा है। अरे वाह, प्रकार से फुलपट्टी के बगैर सीधी लगी है। डॉक्टर है तो अभी हमेशा उल्टा चले नहीं है ना, टेढ़ा नहीं चले। मीडिया और उतारो ना अभी तक। अरे वाह, प्रकार से फुलपट्टी के बगैर सीधी लगी है। डॉक्टर है तो अभी हमेशा उल्टा चले नहीं है ना, टेढ़ा नहीं चले। मीडिया और उतारो ना अभी तक। चलो कोई बात नहीं, पार्टी टूट अरे वाह, प्रकार से फुलपट्टी के बगैर सीधी लगी है। डॉक्टर है तो अभी हमेशा उल्टा चले नहीं है ना, टेढ़ा नहीं चले। मीडिया और उतारो ना अभी तक। अरे सर क्या
मंत्री साहब तो अपनी साहब कुछ बंद करो। सामने फेमस एक साल कंप्लीट हुआ है तो ना ये सब हो जाने दो। अरे ये सब हो जाने तो फिर सियासत में इख्तलाफात हमेशा बाकी रहते हैं। अगर कोई जीतने वाला काम करने वाला आसमान से तारे भी तोड़ करके ले आए तो जो सियासी मुखालिफिन होते हैं उनको कभी ये चीज़ हजम नहीं होती, हमेशा मुखालिफत बाकी रहेगी। और वो लोग जो सियाह गुब्बारे उड़ा रहे हैं तो इस बात का सबूत है कि आज तक उनको हार हजम नहीं हुई। आपने एक साल में क्या नुमाइंदगी किया, आगे क्या इरादे, क्या बड़े काम करने वाले? हम अपनी तफसीलात इंशाअल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे आइंदा के हमारे क्या अजाइम है। लेकिन ये कि ये जो साल गुजरा है ये साल कोरोना को लेकर के और सरकार बनाने को लेकर के बड़ी कठिनाइयों भरा रहा है। लेकिन ये कि कोरोना के अंदर हमने अपने साथियों को लेकर के MIM के जिम्मेदारान हों, जनता दल सेकुलर के जिम्मेदारान हों, वर्कर हों, इन तमाम को लेकर के हमने जो काम किया है वो मालेगांव की तारीख में याद रखा जाएगा। हमने जान की परवाह नहीं की और कोरोना जैसे मुतासरीन के लिए और लॉकडाउन में जो लोग बेरोजगार थे उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करने में जो जद्दोजहद कोशिश हमने की है पूरा शहर इस बात से वाकिफ है। आपके आपको जो एक साल उसका हिसाब मांगा जा रहा है, कॉरपोरेशन जो कि लोकल बॉडी सेल्फ गवर्नमेंट होती है तो उसको 2.5 साल हो गए तो उसका हिसाब आप मांगोगे? 2.5 साल 3 साल। क्या है कि मालेगांव की आवाम को ये बात समझ लेना चाहिए कि रोड गटर की सियासत हो या पानी और हेल्थ का मसला हो, लाइट का काम हो, ये सब कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, ये MLA की जिम्मेदारी नहीं है। आज 3.5 साल बरसरे इक्तदार रह करके और इससे पहले 20 साल इक्तदार में रह करके उन्होंने मालेगांव की जो सत्यानाशी की है आज पूरा शहर इस बात से वाकिफ है। पूरे शहर के अंदर एक रोड भी ऐसा नहीं है जिसके मुतालिक हम ये कह सकें कि ये अच्छा है। साहब आपके इस खुशी को 4 चांद लगाने का काम आमिर कॉरपोरेटर और जाई जुम्मन साहब ने कड़ी मेहनत के साथ किया, दिन भर से लगे हुए थे, तो उनको लेकर 2 अल्फाज क्या है? जाहिद जुम्मन है और इसी तरह आमिन कॉरपोरेटर है, इन्होंने आज का जो ये प्रोग्राम रखा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ आज 1 साल पहले से जो लोग लगे हुए थे सभी लोगों के लिए ये खुशी का दिन है और सभी लोगों ने अपने अपने तौर पर अपनी खुशियों का इजहार किया है। हर एक का अपना ज़र्ब होता है, हर एक का अपना मैदान होता है। मैं अपने तमाम ही वर्करों का, मुआविनीन का और पिछले 1 साल पहले जिन लोगों ने इलेक्शन के मौके पर मेरा साथ दिया था, मेरी मदद की थी, मेरे लिए मेहनत और जद्दोजहद की थी, मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज सुबह से आप शहर भर के दौरे पर हैं, लोग क्या तासुरात हैं? सुबह की नमाज के बाद से मैं पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ चौक चौराहों पर जाकर लोगों से मुलाकात करता रहा। सभी लोगों ने बड़ी खुशियों का इजहार किया, ख़ास तौर पर कोरोना का जो टाइम गुजरा है जब हमारे यहाँ COVID-19 के पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, अमवात बहुत ज़्यादा हो रही थी, उस वक्त जो काम हम लोगों ने किया और बकरीद के मौके पर जो काम हमने किया है उसको ले करके मालेगांव की आवाम बहुत मुतमईन और खुश है। सभी लोगों ने मुझे मुबारकबादी। राजधानी हो राजधानी राजधानी। सबसे पहले तो आज से 1 साल कब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को शहरियान ने जिस कसीर तादाद से वोट देकर कामयाब किया, मैं तमाम इन शहरियान का तहे दिल से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 1 साल की कारकर्दगी के बारे में जो जिस तरीके के सवाल अपोजिशन की जानिब से उठ रहे हैं, यह मैं उन लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि सवाल वो लोग कर रहे हैं जो इन 8.5 साल के दौर में मैं समझता हूँ
के कॉरपोरेशन में 5.5 साल उनका इक्तदार का रहा और 5 साल जो है आमदार रहे। ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं जिनका इखलाकी तौर से इस तरीके का सवाल पैदा करने का यानी कोई गुंजाइश ही नहीं। आज शहर के जो हालात अबतर है हम बेहतर जानते हैं कि रोड के, सड़कों के, गटरों के क्या हाल है और इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या नुमाइंदगी रही है। पिछला एक साल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जब से MLA बने हैं, आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम है कि कोरोना का काल था, कोरोना का वक्त था। इसमें जिस तरीके की नुमाइंदगी मजलिस के आमदार की रहना चाहिए थी वो काबिले इत्मीनान बख्श रही। शहरियान को जिस तरीके की ज़रूरत उस वक्त एक आमदार से लग रही थी वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने बहसीत MLA निभाई।